Hey guys, welcome back to my channel Sangeeta's Cakes and More. So आज हम बना रहे हैं सोया मिल्क. सोया का दूध जो है वो सोया बीन्स से बनता है और इसके बहुत फायदे हैं. इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है और आजकल ये प्रचलन की तरह भी है, सब लोग पीना भी चाहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं सोया मिल्क बनाना. इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है. जो सिंपल ट्रिक्स मैं बताऊंगी उसके हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा इसको बनाना. चलिए शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स से. देखिए, ये मैंने सोयाबीन की दाल ली है. बहुत सिंपल सी दाल है, आपके हर ग्रॉसर पे मिल जाती है. और ये आधा किलो दाल है, इसे हमें भिगोना है. तो मैं पहले आज 300 ग्राम से शुरू कर रही हूँ. मैंने कल रात आपके लिए 300 ग्राम दाल भिगो दी थी. ये देखिए, ये हमारी दाल करीब 15 घंटे भीगने के बाद है. अब हम इस दाल के सारे छिलके निकाल देंगे. देखिए इस तरह से करके, बस हमें हल्के हाथ से इसे ऐसे मसलना है और इनके सारे छिलके निकल जाएंगे. छिलके निकलने के बाद ही हम इन्हें चर्न करेंगे. देखिए, मैंने इसे ऐसे खुले बर्तन में रख लिया है और ये देखिए, ये इसके छिलके सब अलग होते जा रहे हैं. आप देख सकते हैं पानी में इतने छिलके आ गए हैं. हमें इन छिलकों को सबको गिरा देना है. कम से कम 5 से 6 बार हमें धोना होगा और तब ये सारे छिलके निकल जाएंगे. क्योंकि ये दाल बहुत अच्छे से फूली हुई है तो छिलके निकलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. और देखिए, ये हमने अपनी दाल धो ली है और ये लगभग सब छिलके निकल गए हैं. दाल इतनी अच्छी फूली हुई है. तो आपको कम से कम 15 घंटे ये दाल भिगोनी ही चाहिए. और बस अब इस दाल को हम अपने ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे. आप चाहें तो आधी दाल डाल के भी पीस सकते हैं, जैसा कि आपके ब्लेंडर का साइज़ हो. अब इस दाल में हम थोड़ा पानी डालेंगे. मैं गुनगुना पानी डाल लेती हूँ और आप ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. ये देखिए, मेरी आधी दाल पिस गई है और आप देखेंगे तो ये बहुत सिल्की स्मूथ पिसी है और हमने इसे ऐसे ही पीसना है. अब ये पिसी हुई दाल को हम एक और बड़े बर्तन में निकाल देंगे जिसे हम बॉईल करने के लिए रखेंगे, जो थोड़ा हैवी बॉटम हो. ये ऐसे आप सारी दाल निकाल लीजिए. करीब 300 ग्राम दाल में आपका 1.5 लीटर के करीब सोया मिल्क तैयार हो जाता है. अब मैं ये बाकी की दाल भी अपनी पीस रही हूँ और जैसे ही ये हमारा सारा तैयार हो जाएगा तो हम इसे उबलने के लिए रखेंगे. ये देखिए, हमारा सारा पिस गया है सोया और ये करीब 300 ग्राम सोया था हमारा, जो कि फूल करके काफ़ी हो गया था. और अब ये जो दूध बनेगा हमारा, करीब 1.5 लीटर के करीब दूध बनेगा. अभी मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूँगी. देखिए, करीब ये हमारा पिसा हुआ सोया पानी के साथ 2 से 2.5 लीटर हो गया है और अब हम इसे उबलने के लिए रखेंगे. आपने बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपने सोया मिल्क को बॉईल करने के लिए गैस पर रखे हैं तो आप बिल्कुल भी इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें अभी सोया है और ये छना नहीं है तो इसलिए ये नीचे लग सकता है. तो जब तक इसको 1 से 2 बॉयल ना आ जाए आप इसे बीच बीच में हिलाते रहिए. और जब ये अच्छे से 2 बॉयल आ जाएंगे तो हम इन्हें छान लेंगे. और छानने के बाद एक तो हो जाएगा हमारा सोया का मिल्क तैयार और दूसरा जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा, जो छना हुआ सोया होगा, उसका भी मैं आपको बताऊँगी कि उससे कितनी हेल्दी रेसिपीज़ हम और बना सकते हैं. देखिए, जब तक हमारा दूध उबल रहा है, इसे करीब 5 से 7 मिनट लगेंगे उबलने में, तब तक हम अपना कोलेंडर तैयार कर लेंगे. ये देखिए, आपके पास जो भी छन्नी हो आप वही छन्नी ले सकते हैं. और एक ये मिसलिन क्लॉथ या आपके किचन का जो बहुत पतले वाला टॉवल हो आप उसे दूध छानने के लिए ले सकते हैं. ये देखिए, इस तरह से आप इसे तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत गर्म होगा और उबलते हुए कोई हम छानेंगे, इसलिए मैंने पहले ही इसे तैयार करके रख लिया है. और साथ साथ मैं इसे एक और पतीले में लगा लूँगी जिसमें अपना दूध छन के तैयार हो जाएगा. देखिए, हमारा दूध उबलने ही वाला है
और सोया में ऐसे हल्के झाग आ जाते हैं, कोई उसमें अलग बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। और ये देखिए अब हमारा दूध उबलता जा रहा है, इसको हम एक दो उबाल देंगे और फिर इसे हम छान लेंगे। देखिए हमारा दूध पूरा दो तीन बार बॉईल हो गया है और अब मैं इसे छानने जा रही हूँ। आप इस तरह से लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत गर्म है इस वक्त, और आप धीरे धीरे कोलेंडर और ये अपने कपड़े में से इसे निकालिए और ये सारा दूध इस तरह से छान लीजिए। देखिए मेरा सारा छन गया है और बस अब मैं 5 मिनट इसको ऐसे ही रखूंगी जिससे सारा दूध आराम से निकल जाए, और फिर बाद में इस क्लोथ से भी मैं इस कपड़े से भी इसको हल्का सा ऐसे करके दूध निकाल दूंगी। बस आप 5 मिनट से ऐसे रहने देंगे तो ये दूध खुद ही सारा निकल जाएगा। तो देखिए हमारा सोया मिल्क बनकर तैयार हो गया है। अब इस सोया मिल्क से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी कि इनसे हम क्या सब बना सकते हैं। आप इनसे सोया से टोफू भी बना सकते हैं, इसी मिल्क से आप टोफू बना सकते हैं, इस मिल्क को आप स्मूदीज बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और जिन बच्चों को ग्लूटेन एलर्जी है, जिन बच्चों को मिल्क से एलर्जी है, काओ मिल्क या बफलो मिल्क से, उनके लिए सोया मिल्क बहुत ही पौष्टिक है। तो आप इंतज़ार करिए मेरी अगली आने वाली वीडियोस का, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने दोस्तों के संग मेरी वीडियोस शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।